कोई सेफ्टी नहीं है, कभी कोई आके यहाँ पे शराब पीता है, कोई चौकीदार नहीं रखने देते, कभी कोई घुस रहा है, कभी सांड धमकाते हैं, हाँ स्वीपर को भी धमकाते हैं, उसको भी नहीं आने देते। इस गलत वर्ड बोला, मैं बोल भी नहीं पा रही, बाहर निकल दम में तो बाहर निकल। पूछा आंटी क्या बात हो गई, इतनी ही बात हुई है तो गंदे गंदे वर्ड्स बोलने स्टार्ट कर दिए, तुम रेफ्यूजी हो और मैं मेरी है सोसाइटी, तुझे जान से मार दूंगा। तुम्हें कहते हैं मैं बीजेपी का बंदा हूँ, तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हें जान से मरवा दूंगा, तुम्हें सोसाइटी से निकलवा दूंगा, 3 साल के लिए लीगल प्रधान हूँ जो किसी ने नहीं बनाया, तुम मुझे हटा के दे दो, मैं पूरी सोसाइटी का नाश कर दूंगा। सोनिया रंडी बाहर है, सोनिया रंडी बाहर है। पर मैं 10 मिनट खड़ा रहा, उन्होंने मेरे से कोई वार्तालाप नहीं की। देवा है, आज सुबह 10:30 बजे जब मैं अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए घर से निकला तो मुझे हमारे ही सोसाइटी के रहने वाले एक सज्जन मिस्टर मोर, जो अपने आप को इस सोसाइटी का प्रधान कहते हैं, वो मुझे दिखे। मुझे लगा कि उनके दिल में कुछ ना कुछ है, पर मैं 10 मिनट खड़ा रहा, उन्होंने मेरे से कोई वार्तालाप नहीं की। मैं 10 मिनट खड़ा होकर जब चला गया तो मैं अपने कार्यस्थल पर पहुंच गया। इतने में मेरे पास मेरी बीवी का, मेरे पड़ोस में रहने वाले सन्नी जी का, माटा जी का, सभी का फ़ोन आ गया कि ऐसे ऐसे मिस्टर मोर ने यहाँ पर काफ़ी अभद्र व्यवहार किया हुआ है सोसाइटी में। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो सबसे पहले हमारी सोसाइटी में रहने वाले सन्नी जी सेतिया के पास गए और सन्नी जी सेतिया के घर के नीचे खड़े होकर उन्होंने उनकी बीवी से, जो कि बीवी उनकी मल्लिका जी हैं, हमारे साथ ही हैं, मल्लिका जी से नीचे खड़े होकर अभद्र व्यवहार किया, गंदे इशारे किए। जब सन्नी नीचे आया और उसने बड़ी इज्जत से उनसे बात करी कि अंकल क्या बात होगी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो इन्होंने मिस्टर मोर ने सन्नी को जाति सूचक शब्द कहे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और इसको मारने के लिए उत्तेजित कर रहे। ये तो सन्नी समझदार था, इसने कहा अंकल देखिए आप मुझसे बड़े हैं, आप ऐसे बात मत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा क्या कर लोगे, मैं वो शब्द बोल भी नहीं सकता कि जो शब्द उन्होंने इसके साथ इस्तेमाल किए। तो माता साहब मौके पर पुलिस वगैरह को सूचना की गई, पुलिस वगैरह को सूचना की गई थी, 112 नंबर पे सूचना की गई थी औरतों के द्वारा, हम तो बाद में आए, पुलिस तब तक आ चुकी थी। तो पुलिस अब मिस्टर मोर को अपने साथ सिविल लाइन थाना लेकर गई है और हमें कह के गई है कि आप आ जाइए पीछे, बाकी जो सही बात है वो औरतें ही बता पाएंगी, क्योंकि मेरे साथ उनका झगड़ा नहीं हुआ, मैंने तो आकर इनसे पूछा है कि क्या बात हुई। सोसाइटी में प्रेसिडेंट बना था कोई, हमें नहीं पता कौन बना है, फंड्स इकट्ठे नहीं हो रहे थे, कोई सेफ्टी नहीं है, घर इसलिए लिया था कि बच्चे की सेफ्टी के लिए, कोई सेफ्टी नहीं है, कभी कोई आके यहाँ पे शराब पीता है, कोई चौकीदार नहीं रखने देते, कभी कोई घुस रहा है, कभी सांड धमकाते हैं, हाँ स्वीपर को भी धमकाते हैं, उसको भी नहीं आने देते। इस बात को लेके ग्रुप में हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि कौन है प्रेसिडेंट, किसने इलेक्ट किया है, वो आते क्यों नहीं है, कुछ हल क्यों नहीं निकालते इसका मैटर का, इनका नाम भी नहीं लिया। और हमने इतनी देर में वो आके नीचे चिल्लाने लगी, आंटी और अंकल दोनों। तो मैं नॉर्मली देखने गई, मुझे लगा किसी और से बात हो रही है, तो मेरे को बोलती नीचे उतर के आ, नीचे उतर के आ, तेरे से बात कर रही हूँ, अब तू आ नीचे। मैंने कहा आंटी आप आ जाओ ऊपर, तो बोलती तेरे बाप के नौकर नहीं है, वो बोलते अंकल कि तेरे बाप के नौकर नहीं है, नीचे उतर के आ तू, तेरे को हम बताते हैं। फिर सन्नी गए, सन्नी ने पूछा आंटी क्या बात हो गई, इतनी ही बात हुई है तो गंदे गंदे वर्ड्स बोलने स्टार्ट कर दिए, तुम रेफ्यूजी हो और मैं मेरी है सोसाइटी, तुझे जान से मार दूंगा, तेरा जवानी का जोश उतार दूंगा, गंदे गंदे इशारे किए उन्होंने। सब खड़े थे यहाँ पे, इसको प्रोवोक कर रहे थे, मेरे हस्बैंड को इनको प्रोवोक कर रहे थे। उसके बाद हमारे फ्लैट के नीचे आके करके खड़े हो गए, यहीं खड़ा हूँ मैं, जाके दिखाओ ऊपर। मैंने कहा आपका नहीं है ये, हम किराएदार नहीं है, घर है हमारा, कहता मेरी है सोसाइटी। उसके बाद भाभी आ गई, दीदी आ गई, इन लोगों को गंदी गंदी गालियाँ दी, मैं तो इनको संभाल रही थी, आप इनसे पूछो बाकी। मौके पे पुलिस को सूचना आपने दी थी? मैंने दी थी जी, क्योंकि उसने मुझे चौक में खड़े होकर बाहर निकल, गलत वर्ड बोला, मैं बोल भी नहीं पा रही, बाहर निकल दम में तो बाहर निकल, तुम बोल दो आप वर्ड बोल दो। कहता है सोनिया रंडी बाहर है, सोनिया रंडी बाहर है। जी जी जी, उसके बाद क्या किया आपने? बेटे को बुलाया इन्होंने अपने, मैं बाहर आई, उसकी वाइफ मेरे पास आई, एकदम थ्रेट दिया, कहती है खड़ी हूँ क्या करेगी तू मेरे को, धक्का भी दिया। मैंने कहा मैं क्या करूँगी, मैंने वीडियो बनाई अपने जेंट्स वाले ग्रुप में, फैमिली उसमें डाली, ये मुझे धमका रही है, कहती वीडियो क्या बना रही है तेरा, तो मैं ये कर दूंगी तेरा वो कर दूंगी, और गंदे गंदे बोलना शुरू हो गया। फिर मैंने इनको फोन करके बुलाया, नेहा मैं अकेली हूँ आ जा, तो इसको कहता तेरा मैं 112 को फोन किया गया यहाँ। हाँ जी, दो हमने गलती से दो बार कर दिया, 2 PCR आई थी। तो मौके पे क्या किया उन पुलिस के? एक गई ऊपर गाड़ी, उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर दूसरी आई तो
तो उन्होंने किया, छेड़छाड़ आपके साथ किया, भद्रभाषा प्रयोग किया गया, छेड़छाड़ की, धक्का दिया इनके घर आपके साथ, हाँ। इनके साथ भी और इनके साथ, दोनों के साथ, दोनों इनकी गर्दन तक आया। क्या नाम है? SS मोर है, ये नहरी विभाग के रिटायर्ड है कोई, और हमें कहते हैं मैं BJP का बंदा हूँ, तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हें जान से मरवा दूंगा, तुम्हें सोसाइटी से निकलवा दूंगा, और मैं 3 साल के लीगल प्रधान हूँ, जो किसी ने नहीं बनाया, तुम मुझे हटा के दे दो, मैं पूरी सोसाइटी का नाश कर दूंगा। क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? मैं इनके खिलाफ की औरतों को, जेंट्स के, इनके जाने की, मेरे हस्बैंड के जाने की वेट के, तो हमें अकेली औरतों को घेरा, अकेले जेंट्स ने, उसकी वाइफ ने। क्या मांग करते हो प्रशासन से? इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, इनकी पेंशन बंद करवाई जाए, जो नहरी विभाग की धोस, बीजेपी की जो धोस दिखाई जा रही है, वो बीजेपी के बंदे सामने लाए, किसके नाम पे हमें थ्रेट कर रहा था। नहीं सेतिया जी, क्या पूरा मामला? हाँ, मैं और मेरी वाइफ जंदर बैठ के आराम से हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे एक फ्लैट में रहते हैं मिस्टर SS मोर, जो रिटायर्ड है नहर कॉलोनी से, तो वो मेरे फ्लैट के नीचे आ गए, मुझे मेरी वाइफ को पहले बोलते हैं कि तू नीचे आ, तेरे बारे में बात कर रहे हैं। मेरी वाइफ गई कि आंटी जी क्या बात हो गई, अंकल जी क्या बात हो गई, तो कहते तेरे बाप का नौकर नहीं, तो नीचे आके बात कर। तो मैं इतने गैलरी में गया, मैंने पूछा अंकल जी क्या हो गया, कहता तू नीचे आ। मैं नीचे गया, जब नीचे जाने के बाद मैंने पूछा अंकल जी क्या ऐसी बात हो गई जो आप इतना भड़क रहे हो। अंकल जी बोलते हैं तेरे बाप की सोसाइटी नहीं है, मैं यहाँ का प्रधान हूँ, तो यहाँ पर रह के दिखा, तेरे को जान से मार दूंगा मैं। मेरे को बोलता अपना जवानी का जोश मत दिखा, तेरे को मैं ये करवा दूंगा, मैं बीजेपी का बंदा हूँ। मैं कहा जी सारे ही बीजेपी के बंदे हैं, बीजेपी सरकार भी हमने ही बनाई हुई है, मैंने कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी दादागिरी दिखा दोगे। मेरे से बहुत उन्होंने कोशिश करी कि मैं इनसे हाथापाई करूं, बट वही बात है कि मुझे पता था कि अगर मैं इनसे हाथापाई करता तो शायद मेरे ऊपर ही उल्टा इल्जाम आ जाता। तो अब क्या कुछ शिकायत दी गई है? शिकायत यही दी गई कि हमसे तो चलो जो लड़े हैं, लेकिन उसके बाद हमारी जो घर की औरतें हैं, हमारी भाभी हैं, हमारी बहन है, मेरी वाइफ है, उनसे सबसे अभद्र व्यवहार किया गया है, सबको उनको गाली गलौज दी गई है, ऐसे ऐसे शब्द बोले गए हैं कि अगर शायद आप भी होते तो आप सुन ना पाते, आप भी कुछ ना कुछ उनको मार देते। तो हम यही चाहते हैं प्रशासन से उनका सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनकी पेंशन वेंशन सब बंद होनी चाहिए उनकी। पुलिस मौके पहुंच गई थी? पुलिस को लेडीज़ ने फ़ोन किया है, क्योंकि सारे के सारे बाद में, यहाँ कोई जेंट्स नहीं था सोसाइटी के अंदर, सब बाद में आए हैं, और फिर उनको कॉल करके बुलाया गया है पुलिस। पहला ये मामला है या पहले भी कभी ऐसा हुआ है? ये सोसाइटी में इनका आपस में ही पहले कुछ पंगा चल रहा, तो सोसाइटी में भी आए हुए हमें 6 महीने हुए हैं, तो हमें नहीं पता कि इनका पीछे से क्या चल रहा है क्या नहीं, बट ये इनको एक सॉफ्ट टारगेट चाहिए था कि हम कोई अकेला मिले, बात करें इनसे, ताकि उनसे लड़ाई झगड़ा हो और हम उनके खिलाफ एक्शन लें।